Hello everyone, welcome to Learn Lifeology. Here I am going to explain you about the syllabus of MSc second year SEM 3, that is paper 1, molecular biology and genetics. We know we are having 4 papers in SEM 3. तो जिसमें से फर्स्ट पेपर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसका सिलेबस मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. अलॉन्ग विद दैट आई हैव एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर्स. तो ये डिफरेंट टॉपिक्स पे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसी ट्विस्टिंग होती है क्वेश्चन में एंड ऑल दैट, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर स्मार्ट स्टडीज़. अगर हमको सिलेबस एंड उस पर कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है ये बहुत अच्छे से पता है, तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू कम्प्लीट योर पीजी विद, एक साल में आप पोस्ट ग्रेजुएट बन जाओगे एंड आप फिर अपने करियर के लिए सर्च करोगे. तो लेकिन आपको पता चलेगा कि आपकी ये स्टडीज़, ये कॉन्सेप्ट कितने काम में आते हैं आगे जाके. फॉर दैट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक्स आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है एंड ऑल दैट. एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बुक्स ऑल्सो, विच बुक्स यू कैन रेफर फॉर डिफरेंट टॉपिक्स. सो डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट. सो वी नो वी आर हैविंग 4 यूनिट्स हियर इन ईच पेपर. यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में रिप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन. एंड मोर ओवर दिस पेपर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू योर ऑल द एग्जामिनेशंस यू अपियर आफ्टर योर पीजी, लाइक नेट, सेट, गेट, एनी पीएचडी एंट्रेंस, डीबीटी जेआरएफ और आईसीएमआर लाइक दैट. तो यहाँ सब जगह आपको ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पेपर का कुछ भी नहीं छोड़ना है, थॉरली कंसेप्ट समझना है. सो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट रहेगा रिप्लिकेशन, उसमें इनिशिएशन. ओके, यू हैव स्टडीड दिस इन योर बीएससी आल्सो, इन फिफ्थ सेम आल्सो. आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है बट वहाँ पर इतने डीप में नहीं पढ़ा था, यहाँ पे डीपली सब कुछ दिया हुआ है. इनिशिएशन में क्या पढ़ना है, प्राइमिंग इन ई कोलाई एज वेल एज यूकैरियोट्स. तो आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज़ ऑन दिस आल्सो, यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से एक्सटेंट तक पढ़ना है. बट हियर जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. देन इलॉन्गेशन पढ़ना है, होलो एंजाइम एंड प्रोसेसिविटी ऑफ रिप्लिकेशन. एंड टर्मिनेशन में देखना है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके, दूसरा रिपेयर, रिप्लिकेशन एंड रिपेयर. पहला यूनिट में 2 पॉइंट हो गए हमारे. रिपेयर में देखेंगे रिवर्सल ऑफ डीएनए डैमेज, बेस एक्सीजन रिपेयर बाय न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन. एंड देन पढ़ना है रिकॉम्बिनेशन. तो फर्स्ट यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रिप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन. तो आप अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम के टाइम, एग्जाम पास में है, तो देन यू कैन स्टडी 2 टॉपिक्स थरोली. अगर आप एक टॉपिक स्किप भी कर देते हो देन यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि हमेशा एक टॉपिक और में ही आता है. तो 2 टॉपिक्स हमको, एटलीस्ट 2 टॉपिक्स थरोली करना है. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट में से रिप्लिकेशन से आपको पूछा रहेगा, आइदर डायरेक्टली रिप्लिकेशन पूछा रहेगा, आइदर पूछा रहेगा रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. ठीक है, अगर प्रोकैरियोट का पूछा है तो यू हैव टू राइट अबाउट द एंजाइम्स इन प्रोकैरियोट्स. एंड यूकैरियोट्स को पूछा है तो एंजाइम्स इन यूकैरियोट, क्योंकि जनरल मैकेनिज्म सेम है. व्हाट इज डिफरिंग, द एंजाइम्स एंड द फैक्टर्स, दैट यू हैव टू मेंशन क्लियरली, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स. हमको लगता है हमने लिखा बहुत है, मार्क्स क्यों नहीं मिले, तो ये रीज़न होता है. देन दूसरा पूछ सकता है, डिस्कस इन डिटेल रोल ऑफ वेरियस एंजाइम्स. ओके, डायरेक्टली रोल ऑफ एंजाइम्स ई कोलाई में कौन कौन से एंजाइम्स है. अब यहाँ पे आपको लिखना है एंजाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशिएशन टिल टर्मिनेशन, ईच एंड एवरी एंजाइम. देन रिपेयर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस इन डिटेल डीएनए रिपेयर एंड इट्स मैकेनिज्म एंड नोट ऑन डीएनए डैमेज. ओके, ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन समटाइम अ शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क ऑन बेस एक्सीजन रिपेयर ऑल्सो, ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन से कैसे करें. ये सारा के सारा आप बोल सकते हो एक एक्सट्रैक्ट है सारे क्वेश्चन पेपर्स का. आप अगर इसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो तो यू आर गोइंग टू आंसर एनी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. देन लास्ट होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्टिंग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मैकेनिज्म ऑफ रेक बीसीडी पूछता है, देन मैकेनिज्म ऑफ जीन कन्वर्जन पूछा जा सकता है. देन सिर्फ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन भी डायरेक्टली पूछा रहेगा एंड डिटेल अकाउंट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन. ओके, लाइक वाइज द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट. देन सेकेंड यूनिट है हमारा जीन एक्सप्रेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड ईजी है. यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस. ओके, ये 4 हेडिंग्स के अंदर हमको देखना है. तो ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सबको रटा हुआ होता है सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बट यहाँ पे हमको उसके बहुत डीप में जाना है. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस अगेन कहाँ आता है, एंजाइम्स एंड फैक्टर्स.
देन क्लास 1, 2, 3 प्रमोटर्स क्या है, एनहांसर्स एंड साइलेंसर्स, जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द ट्रांसक्रिप्शन. ओके देन ट्रांसलेशन, सॉरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इजिली समझ जाते हैं, बट ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट समझना, एंड ये थोड़ा सा वास्ट एंड क्वेश्चनिंग भी होती है इसमें से. mRNA, RRNA, tRNA सबके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है, प्रोसेसिंग है, ट्रांसप्लाइसिंग क्या होती है, RNA एडिटिंग क्या होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, जीन साइलेंसिंग, RNA इंटरफेरेंस, देन कैटालिटिक एंड एंटीसेंस RNA. तो यू हैव टू बी क्लियर विथ ईच एंड एवरी टर्म हियर. सब कुछ आपको ईजीली समझ में आ जाना चाहिए, कंसेप्ट के साथ समझना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन. यहाँ पे सिंपल है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन विद फैक्टर्स एंड एंजाइम्स, एंड उसके बाद रहेगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. मतलब आपका mRNA बन के प्रोटीन बनने तक का पूरा प्रोसेस आप जीन एक्सप्रेशन में देखोगे. देन क्वेश्चंस, ट्रांसक्रिप्शन पे क्या क्वेश्चंस आते हैं. ये यूनिट थोड़ा सा वास्ट है, ये पूरे पेपर में ये यूनिट वास्ट है. देन ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं, कंपेयर इन ब्रीफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, देन डिस्क्राइब प्रोसेस, देन राइट अ नोट ऑन इनिशिएशन, या कभी पूछा रहेगा सिर्फ इलोंगेशन, डिस्क्राइब वेरियस रेगुलेटरी इवेंट्स. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमको नहीं समझ में आता है. रेगुलेटरी इवेंट्स आर ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल. यहाँ पे अगेन रोल ऑफ एंजाइम्स आ जाता है. कंपेयर द जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन, क्या फैक्टर्स में क्या फ़र्क है. ओके देन डिटेल इन द एनहांसर्स एंड साइलेंसर्स, क्या क्या काम करते हैं और डिटेल उसके बारे में एक्सप्लेन करना है इन ट्रांसक्रिप्शन. देन सेकेंड जो पॉइंट है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, इस पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. यहाँ पर RNA स्प्लाइसिंग, एंटीसेंस RNA, राइट अ नोट आएगा, क्वेश्चन विल बी राइट अ नोट, और समटाइम डिस्कस आएगा जीन साइलेंसिंग क्या होती है, एंड tRNA प्रोसेसिंग थ्रू स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म. ये क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं. ओके देन बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स है, लाइक कैटालिटिक RNA, एंटीसेंस RNA, आपको फिफ्थ क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पर, फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स. देन ट्रांसलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस कंपोनेंट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. सो फॉर इफ यू आर कंप्लीटली थरोली डूइंग ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, देन ओनली यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस यूनिट. ओके अगर आपका कभी ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन स्किप भी हो जाता है, देन ओनली यू कैन स्कोर इन दिस यूनिट, बट आई सजेस्ट टू स्टडी ऑल द पॉइंट्स. देन यूनिट 3 है हमारा जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड छोटा सा यूनिट है. आप एक कंसेप्ट समझ जाते हो, आपको सब कुछ समझ जाएगा. पहला हमको देखना है इसमें लैकोपेरॉन, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर BSc. दूसरा है अरेबिनो ओपेरॉन, TRP ओपेरॉन, एंड लास्ट है क्रोमैटो मॉडलिंग. ये आपको 4 ही पॉइंट पढ़ना है इसमें. एंड अगर आपको लैक ओपेरॉन बहुत अच्छे से समझा हुआ है, यू कैन राइट अबाउट एनी ओपेरॉन. सब में थोड़ा थोड़ा रेगुलेशन का डिफरेंस होता है, नथिंग एल्स. तो व्हाट क्वेश्चंस आई आस्क, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डिटेल अकाउंट ऑफ लैकोपेरॉन, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चरल जीन्स इन द लैकोपेरॉन. जब आप स्ट्रक्चर समझाओगे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लैकोपेरॉन ओनली, तो आप सबसे पहले यही पढ़ने वाले हो. डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन इन ईकोलाय. ओके देन सॉरी, अरेबिनो ओपेरॉन पे बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन TRP ओपेरॉन में जीन रेगुलेशन पूछा जा सकता है, ओपेरॉन सिस्टम एंड जीन रेगुलेशन. अगेन एवरीवेयर हियर जीन रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन पे आपको बहुत ध्यान देना है. एंड क्रोमेटो मॉडलिंग में आपको रहेगा mRNA, प्रोटीन डिग्रेडेशन कंट्रोल एंड क्रोमेटिन मॉडलिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा. देन द लास्ट यूनिट इज जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेजेस. यहाँ पे जीन मैपिंग इन बैक्टीरिया करना है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये 3 मेथड से आप कैसे जीन मैपिंग करोगे बैक्टीरिया में. देन मैपिंग ऑफ बैक्टीरियोफाज जीन्स बाय रिकॉम्बिनेशन एनालिसिस. देन डिलीशन मैपिंग, कॉम्प्लीमेंटेशन, बैक्टीरियोफाज में ये मेथड से हमको करना है. एंड लास्ट में ट्रांसपोजोन्स, जो फिर से आपने ऑलरेडी BSc में पढ़े हुए हैं. ओके तो यहाँ पे हम जीन मैपिंग करने वाले हैं फॉर बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफाज. व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? द वायरसेस विच कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. तो दोनों की जीन मैपिंग एंड ट्रांसपोजोन्स. अब क्वेश्चंस अगेन, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से आपको बैक्टीरियोफाज की जीन मैपिंग पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. नाउ यहाँ पे जनरल नहीं होता है, कभी पूछा जाएगा एक्सप्लेन जीन मैपिंग बाय कॉन्जुगेशन, कभी पूछा रहेगा बाय ट्रांसफॉर्मेशन, एंड कभी पूछा रहेगा ट्रांसडक्शन. तो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 3, एंड जो पूछा है वही लिखना है. देन मैपिंग में पूछा रहेगा मैपिंग ऑफ बैक्टीरियोफाज, अगेन रिकॉम्बिनेशन एनालिसिस की हेल्प से
मैपिंग एक्सप्लेन कीजिए, या तो जनरल मैपिंग पूछा रहेगा इन बैक्टीरियोफाज। देन डिलीशन मैपिंग पे भी क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लीमेंटेशन ये भी मैपिंग में ही हेल्प करता है डिलीशन मैपिंग। देन ट्रांसपोजोन्स पे थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप क्वेश्चन आते हैं, वास्ट वराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे वेरियस प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बताना है। देन ट्रांसपोजोन्स एंड डिस्क्राइब वेरियस ट्रांसपोजोन्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म। ओके, नाउ उनके टाइप्स मैकेनिज्म के बेसिस पे भी टाइप्स है, तो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या होता है, दैट यू क्वेश्चन कैन बी आस्क ऑन द हाइब्रिड डिसजेनेसिस, दैट वी आर गोइंग टू सी। देन एक्सप्लेन इट विद रेस्पेक्ट टू द ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड सिलेबस ऑफ दिस पेपर। तो लास्ट में देखते हैं बुक्स, हम कौन सी रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं। नाउ देर आर नंबर ऑफ बुक्स, बट आई हैव मैंशन फ्यू गुड बुक्स और विच आई हैव रेफर्ड, और भी बहुत सारे आप जो पढ़ सकते हो। एंड रीडिंग बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन जेनेटिक्स, सी बी पवार इज द बेस्ट बुक, एवरी थिंग इज एक्सप्लेन इन डिटेल इच एंड एवरी पॉइंट। देन फ्राइफिल्डर मॉलिकुलर बायोलॉजी है, यहाँ पर आप जेनेटिक्स कंसेप्चुअल अप्रोच बेंजामिन का देख सकते हो। देन आई जेनेटिक्स रसेल, देन आप नेल्सन एंड कॉक्स भी पढ़ सकते हो। इन सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी पीके गुप्ता, अगर इजी लैंग्वेज के लिए पढ़ना है तो पीके गुप्ता इज़ वेरी गुड एंड सी बी पवार, दे आर वेरी गुड। ये हमारे इंडियन ऑथर्स है एंड एक्सप्लेनेशन इज रियली नाइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।